हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथियों, हमारे प्रिय मित्रों, हमारे रसगुल्लों, फटाफट जुड़िए आप लोग और उनको शेयर करिए। जो रसगुल्ले अभी नहीं पता है उनको कि सर आज सरप्राइज टेस्ट लेने वाले हैं साइंस का, वन लाइनर के फॉर्म में टेस्ट होगा, जैसे कल ज्योग्राफी का हुआ था, है ना। चलिए 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 मेरे शेरों, कल SST का हुआ था, आप लोग ने दिया होगा, नहीं दिया है तो दे दीजिए बेटा। वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए हम बनाते हैं और मोबाइल में लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे हम भूल जाएं क्वेश्चन को, लेकिन केवल क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आंसर आप करेंगे, वन लाइनर होगा, हम क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखेंगे, आप इसका फटाफट आंसर करेंगे, मात्र और मात्र आधे घंटे होगा आपका, आप फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए 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 मेरे शेरों, चलिए मेरे शेरों, चलिए 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 फटाफट 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 शेयर करो यार, शेयर करो आप लोग बेटा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, जितने बच्चे हैं वो तो बने रहेंगे लास्ट तक। पहला क्वेश्चन आज का मेरे साथियों, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या है? सारे बच्चे बताएंगे, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण क्या है? कोई डीमोटिवेट नहीं होगा अगर उसे आता नहीं है तो, बता देते हैं बेटा, आप लोग डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सीखो तो सीखो भैया, सीखो मेरे लालों, सीखो। चलिए बताइए वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या है, तो बताइए पहले आप लोग आंसर दीजिए इसका, सारे बच्चे आंसर दें क्या है। हाँ साबस मेरे से लो साबस, देखिए हार्ड नहीं है, आपको ना इस यूपी टेट में भी काम आएगा, इतना हम 100% लिख के देते हैं बेटा, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे सर जो बोलते हैं सही बोलते हैं, है ना, इसको लिख लीजिए आप, जब पेपर दे कराओगे ना, अगर वीडियो नहीं देख कर गए हो तो बहुत पछताओगे, अगर रिवीजन करके नहीं गए हो, अगर लेकिन रिवीजन करके जाओगे तो बता रहे हैं ना, तो आप बैठो, चाहे यूपी टेट में बैठो, चाहे सीटेट में बैठो, चाहे अनेकों एग्जाम में बैठो, फोड़ क्या होगे बेटा, इस कदर आपको ज्योग्राफी पढ़ाया गया, हिस्ट्री भी पढ़ाया गया, इसका आंसर बताइए। ऐसे थोड़े होता है, आप लोग आंसर नहीं बता रहे हो भैया, सही नहीं बता रहे हो, कोई नहीं बता रहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा समस्या, क्या हो जाएगा बेटा, समस्या। समस्या जो होता है ना वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है, अगर समस्या होगा ही नहीं तो वैज्ञानिक क्यों किसी चीज का इजहात करेंगे, क्यों बनाएंगे, आप थोड़ा दिमाग से सोचे होते बेटा, अगर ऑप्शन देते तो शायद बहुत सारे बच्चे बता ले जाते, लेकिन आज नहीं, आज कुछ नहीं, आज हमारा चलेगा, आज केवल और केवल प्रकाश का चलेगा, प्रकाश सर का चलेगा आज बेटा, आज वन लाइनर के फॉर्म में हम देंगे, आप अपने दिमाग को बूस्ट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे हैं, कितने शेर हैं मेरे, देते हैं बेटा। दाब का मात्रक बताइए, दाब का मात्रक बताएंगे आप फटाफट मेरे शेरों, MKS में बताएंगे, किस में बताएंगे, MKS में, MKS पद्धति में बताएंगे, या फिर कर लीजिए SI पद्धति में बता दीजिए, या फिर हम इसका एक मात्रक बता देते हैं आपको, पास्कल होता है। चलिए अब दूसरा बता दीजिए आप, बताइए बेटा, बताइए मेरे सरों, दाब बराबर क्या होता है? अच्छा जिसको पता है दाब बराबर क्या होता है ना, वो फट से बता ले जाएगा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, जब बल बटा क्षेत्रफल होता है तो बल का मात्रक न्यूटन है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो इसमें कहां देरी हो रही है यार, इतना देरी करोगे आप लोग, बताओ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक, ठीक है बेटा याद रखेंगे। देखिए हम आपको बता देते हैं एक बार बेटा, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो अपने जिंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हो, इतना समझ लो, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला यार, आप लोग रिवीजन पे ध्यान दो थोड़ा सा, हम तो सब कुछ पढ़ा के खत्म कर देंगे, अभी बच्चे बोल रहे हैं सर कंप्यूटर पढ़ाइए, वो भी खत्म कर देंगे, पता है कि नहीं, हमको टाइम नहीं लगेगा खत्म करने में, खत्म कर देंगे, ऐसे छू अंतर हो जाएगा वो भी कंप्यूटर भी, लेकिन आप लोग पढ़ो तो सही, रिवीजन पे ध्यान दो बेटा, रिवीजन पे। अच्छा बताएंगे आप लोग, बताएंगे बेटा पुष्प का नर भाग कौन सा होता है, पुष्प का नर भाग कौन सा होता है उसका नाम बता दीजिए, कौन सा होता है, सारे छात्र, सारे साथी, सारे रसगुल्ले बताएंगे आंसर इसका क्या होगा, सारे रसगुल्ले, सारे छात्र, सारे विद्यार्थी, सारे प्रशिक्षु, यार इतने प्रेम से बोलते हैं अब भी नहीं बताएंगे ना, तो समझ लो भैया हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं मेरे साथी, अब तो बता दो आप लोग, बता दो मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि जितनी खुशी हमें होगी ना, जितनी खुशी ऑनलाइन शिक्षण को होगा ना, आपके जॉब लगने से, आपके अच्छे मार्क्स आने से, उतना शायद ही आपको हो,
समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को जानते हैं बेटा। अगर आप हमारे मेहनत पे खड़े उतरेंगे ना तो बहुत खुशी होंगे, उल्टा हम आपको मिठाई खिलाएंगे 100% बेटा। आप 96% लाओ फिर फ़ोन करो मुझे, 96% लाओ फ़ोन करो, 96% लाओ बिना बैग के फिर फ़ोन करो मुझे, है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत सही मेरे शेरों, शाबाश। क्या होगा, पुंकेसर होगा ना, पुंकेसर, पुंकेसर बेटा, पुंकेसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुष्प के नर भाग को कौन सा क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। चलिए 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 चलिए, अच्छा खमीर क्या होता है बता दीजिए, खमीर होता है क्या होता है, एक कोश की होता है कि बहु कोश की होता है, क्या होता है खमीर? अच्छा दो ऑप्शन में बता दीजिए आप, खमीर क्या होता है, एक कोश की होता है कि बहु कोश की होता है। देखिए बच्चे इतने इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, खमीर, खमीर जिसे ईस्ट बोलते हैं, खमीर क्या होता है बताइए, एक कोश की होता है कि बहु कोश की होता है? दो ही में बता दीजिए आप, दो ही ऑप्शन दे दीजिए आपको, दोनों ऑप्शन के अंदर आप बता दीजिए क्या होता है, बताइए 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 बेटा, बताइए बेटा। इसके बाद आप बता देंगे म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस किसे कहते हैं, म्यूकस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वायरस को कहते हैं कि बैक्टीरिया को कहते हैं कि कवक को कहते हैं कि प्रोटोजोआ को कहते हैं, मतलब फफूंदी को कहते हैं कि जीवाणु को कहते हैं कि विषाणु को कहते हैं कि प्रोटोजोआ को कहते हैं? अब हिंदी में बोल दीजिए, बता दीजिए। देखिए जो खमीर है बेटा ना, खमीर जो आपका खमीर है ना, इसे एक कोशिकी बोलते हैं, पूरे विश्व में एक कोशिकी, एक कोशिकी, एक कोशिकी जो है उसको बोला जाता है शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का बेटा अंडा, अंडा एग, ठीक है ना, एग है जो एक कोश की है। और शुतुरमुर्ग ससुरा है ना, इतना बड़ा पक्षी है ना कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, उड़ने में नहीं है पक्षी, लेकिन दौड़ने के मामले में ससुरा सबसे आगे रहता है ना, याद रखेंगे। और यह शुतुरमुर्ग है ना बेटा, यह शुतुरमुर्ग है ना, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पक्षी भी है, सबसे बड़ी पक्षी भी है, सबसे बड़ी पक्षी भी है। अब आप एक काम करेंगे, उड़ने वाली, उड़ने वाली, उड़ने वाली सबसे बड़ी पक्षी का नाम बता देंगे, सबसे बड़ी पक्षी का नाम बता देंगे, सबसे बड़ी पक्षी का नाम बता देंगे, उड़ने वाली लेकिन सबसे बड़ी पक्षी हम बता देते हैं आपको, उड़ने वाली सबसे छोटी पक्षी का नाम, उड़ने वाली या फिर विश्व की सबसे छोटी पक्षी का नाम बता देंगे, हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड, यह ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बहुत बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है, हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है बेटा, याद रखेंगे। इसी का दूसरा नाम है गुंजन, गुंजन इसी का दूसरा नाम है। यही पक्षी एक ऐसी पक्षी है जो उल्टे होके उड़ सकती है बेटा, उल्टा होके उड़ सकती है, है ना, उल्टा होके उड़ सकती है। अच्छा म्यूकस किसे कहते हैं बताइए, म्यूकस किसे कहते हैं, कौन छात्र बता लेगा, म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस फटाफट मेरे साथी, अरे डिले ना करो मेरे प्यारे मित्रों, म्यूकस किसे कहते हैं, हमने तो ऑप्शन दे दिया भैया आपको, फफूंदी को कहते हैं बेटा, एक तरह से फफूंदी होता है, एक कह लीजिए जो म्यूकस होता है बेटा ना, फफूंदी होता है, फफूंदी। जो मित्र यह सोचते हैं कि सर लिखने के बाद क्वेश्चन का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनको बता दें भैया आप लोग स्टार्टिंग से नहीं जुड़े, क्योंकि यह बूस्टर है, बूस्टर है ना, बूस्टर आपके दिमाग को बूस्ट करेगा, ऐसे ही ऑप्शन से दे देंगे। कल, कल तो एक घटना, मतलब कल कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे, कुछ लोग का गलत हो रहा था कल वाले टेस्ट में, तो कुछ बोल रहे थे यह कि दे दो ना भैया तुक्का भिड़ा दो, है ना, तुक्का भिड़ा दोगे आप, तुक्का कैसे भिड़ाओगे भैया, क्या बोलोगे, अपना नाम बोलो, हर क्वेश्चन के आगे अपना नाम लगा दो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे बेटा, भोजन संरक्षण की विधि क्या कहलाती है, है ना, या फिर दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, तो इजी क्वेश्चन है। अच्छा शोक नदी बता दीजिए, चलिए यह भी आपके क्वेश्चन आ गया, शोक नदी, छोड़िए ये तो हमने करा दिए थे कल वाले में, बता देंगे सारे बच्चे मुझे पता है। अच्छा ये बता दीजिए बेटा, खान एवं खनिज, खनिज अधिनियम, अधिनियम कब पारित हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिनियम कब पारित हुआ था, कब पारित, कब पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? अरे मेरे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ढीले नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं ढीले पढ़ना है, ऐसे ढीले नहीं पढ़ना है, आप लोग फटाफट बताओ, अच्छे क्वेश्चन है बिना ऑप्शन के, बताइए बताइए बताइए, खान एवं खनिज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सन, क्या सन, 1948 में भैया। देखिए कुछ अच्छे बच्चे हैं, हम मानते हैं कुछ अच्छे बच्चे हैं जो कि बहुत ही विद्वान हैं, हमने बोला था जो साइनाइड की घटना घटी थी 1984 में बेटा, 1984 में, है ना, 1984 में जो घटना घटी थी ना, गैस वाली, गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है,
है ना, तो उसमें हमने शायद 1985 बोल दिया था, तो कुछ बच्चे उसको बोले थे सर सही कर लीजिए, तो हमने सही कर लिया था, ठीक है बता देंगे आप कि 1984 ही था, है ना, करेक्ट कर लेंगे आप। नेक्स्ट, अच्छा अब्रक का उपयोग किया जाता है, बताइए अब्रक का उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत उद्योग में, कि सीमेंट उद्योग में, कि साबुनीकरण में, कि सीमेंट उद्योग, विद्युत उद्योग, साबुनीकरण, या फिर कर लीजिए आपको उष्मा के कोई पदार्थ बनाने में, बता दीजिए। तो चलिए बताइए भैया, बताइए मेरे शेरों, किस में किया जाता है अब्रक का, अब्रक का यूज किस में किया जाता है, अब्रक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, अब्रक, अब्रक, अब्रक का उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है, किया जाता है बताइए, तो बताइए मेरे शेरों, मेरे फौलादों, फौलादों, मेरे फौलादों हूँ आप लोग बेटा, बिल्कुल आग, दिल में आग जलना चाहिए, एक तरह से भूख होनी चाहिए किस चीज़ के लिए, बताइए बताइए मेरे मित्रों, क्या हो जाएगा, विद्युत उद्योग, क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत उद्योग, विद्युत उद्योग में एकमात्र एकमात्र मेटल बताइए, एकमात्र धातु बताइए जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसियस अवस्था में होता है, कौन बता देगा, बताइए, तो एकमात्र धातु बताइए जो रूम टेम्परेचर पर या फिर कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, जो कुछ बच्चे हैं भैया कहते हैं इंग्लिश में लाइए, इंग्लिश में लाने लगेंगे बच्चा ना तो आप भाग जाओगे, पता तो नहीं भाग जाओगे, तो डीएलएड में इंग्लिश में लिखने के लिए आता होगा ना, तो आप लिखिए इंग्लिश में, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखिए, नंबर आपको एकदम 100% दिया जाएगा, आप लिखिए इंग्लिश में भैया, इंग्लिश करना हो ना आप तो पर्सनली मुझे फ़ोन कर देना, हम आपको इंग्लिश में कॉल से पढ़ा देंगे बेटा, ठीक है ना। एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता हो, किस अवस्था में रहता हो बेटा, गैस, गैस अवस्था में रहता हो, गैस, या फिर कह लीजिए कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में ना रहता हो, जो एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर ठोस में ना रहता हो, ठोस में नहीं रहता, नहीं रहता, उसका नाम बता दीजिए, बताइए क्या नाम है उसका, बताइए बताइए मेरे साथी, हाँ साबस, साबस मेरे शेरों, पारा, पारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पारा, मरकरी, इसे मरकरी बोलते हैं, साबस मेरे शेरों, साबस, यही आप लोग से अपेक्षा रहती है कि आप लोग थोड़ा सा अच्छा करते हैं तो बहुत ही बहुत खुशी होती है। हाँ अच्छा, कुकिंग गैस में फटाफट आप लोग बता देंगे, कुकिंग गैस जो एलपीजी है, एलपीजी, एलपीजी का पहले फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग, इसके बाद जो कुकिंग गैस है उसमें, उसमें किस प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा अधिकता होता है बता दीजिए, एलपीजी, 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 और एक होता है सीएनजी, सीएनजी, सीएनजी में भी, एलपीजी में भी, लिक्विड पाइप पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस बेटा, ठीक है, पहले उसे इस फॉर्म में लाया जाता है, फिर इस फॉर्म से उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, है ना, याद रखेंगे, इसे ग्रीन गैस के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन गैस के नाम से भी जानते हैं बेटा, ग्रीन ईंधन के नाम से जानते हैं, ग्रीन गैस नहीं, ग्रीन, ग्रीन ईंधन के नाम से जानते हैं, जो सीएनजी में होता है हमारा मीथेन होता है, मीथेन, मीथेन प्रोपेन, मीथेन प्रोपेन, प्रोपेन होता है बेटा, लेकिन इसमें जो होता है एलपीजी में जो होता है वो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का कोई फॉर्मूला बता देगा, ब्यूटेन का मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो C4, कार्बन के चार अणु होते हैं, चार दूनी, चार का चार दूनी आठ, दो दस, यानी कि H10 बेटा, देखिए C4H10 होता है ब्यूटेन के लिए, हमने आपको बताया था मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, हमने बताया था बेटा मिथ के लिए, मतलब एन, एन इन आइन, एन इन आइन, एन के लिए CnH2n+2 फॉर्मूला होता है, इन के लिए CnH2n-2, सॉरी केवल 2 फॉर्मूला होता है, और आयन के लिए जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके CnH2n-2 फॉर्मूला होता है, इसमें n के प्लेस पे 1 रखते चले जाइए, n के प्लेस पे 1 रखते चले जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड वाला मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन, डेक, ये मिलता चला जाएगा आपको, ठीक है ना, और जब आप इसमें रखते चले जाएंगे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, तो मिलता चला जाएगा आपको मेथीन, एथीन, मेथीन, एथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, यह मिलता चला जाएगा, इसके बाद जब इसमें आप रख देंगे बेटा ना तब आपको मिलता चला जाएगा, पता है क्या, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, यह मिलता चला जाएगा, यह हमने आपको स्ट्रक्चर, संतृप्त कार्बन और संतृप्त कार्बन, अच्छा संतृप्त कार्बन क्या होता है कौन बता देगा, संतृप्त, संतृप्त कार्बन बता दीजिए आप लोग फटाक से बताइए, संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन, ठीक है, असंतृप्त कार्बन,
ठीक है बता दीजिए। तो संतृप्त कार्बन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है बेटा जिसके बीच में, जिसके बाउंडेशन में कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कार्बन, दो कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनता है, मतलब कि एकल बंध बनता है, एकल बंध बनता है। जैसे यह वाला पूरा पोर्शन जो आपका एन वाला है, सी एन एच टू एन प्लस टू वाला, सी एन एच टू एन प्लस टू वाला, यह वाला आ जाता है। लेकिन अगर असंतृप्त कार्बन में देखा जाए, असंतृप्त कार्बन में बेटा, तो इसमें होता है द्विबंध, मतलब कि दो बंध या ट्रिपल बंध या फिर त्रिबंध बेटा, यह दोनों बनते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या, असंतृप्त कार्बन। असंतृप्त कार्बन ऐसा कार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध या फिर त्रिबंध बनते हों, उसे बोलते हैं असंतृप्त कार्बन। ठीक है बेटा, चलिए 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 मेरे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता, ये क्या लिख दिया क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ चलिए ये बता दीजिए, वो गलत क्वेश्चन है बेटा। मधुमेह में जो मधुमेह होता है स्त्रियों को, जो मधुमेह होता है स्त्रियों को, वो किस अवस्था में होता है, मधुमेह जो स्त्रियों को होता है वो किस अवस्था में होने के ज़्यादा चांस होते हैं, वह जब स्त्री किस अवस्था में होती है तब उसको मधुमेह होने के ज़्यादा चांस होते हैं, बता दीजिए मेरे मित्रों। मधुमेह, लिख देते हैं क्वेश्चन को, स्त्रियों में मधुमेह होने के संभावना किस अवस्था में ज़्यादा होती है, किस अवस्था में ज़्यादा होती है, कौन बताएगा, बताइए तो मेरे साथ हैं मेरे मित्रों, बताइए स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में ज़्यादा होती है, तो तुरंत बताएंगे आप गर्भावस्था में, गर्भा सही लिख रहे हैं भैया ना, देख लीजिए, नहीं तो आप लोग भैया तुरंत बोलेंगे सर आपने स्पेलिंग गलत कर दी, मात्रा गलत कर दी, गर्भावस्था में याद रखेंगे, ठीक है ना, चलिए 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 मेरे साथों मेरे मित्रों। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमज़ोर हो जाता है, धमनियाँ कि सिरे कि महाधमनियाँ कि महासिरे, बताइए फटाफट मेरे, कि वेना कावा, क्या 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 कमज़ोर होता है, बताइए, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं इसमें, आयु बढ़ने के साथ क्योंकि ऑप्शन से ही किया जा सकता है, आयु बढ़ने के साथ कमज़ोर हो जाता है, क्या कमज़ोर हो जाता है बताएंगे, यकृत कमज़ोर हो जाता है, कि धमनियाँ, चलिए तीनों बता दीजिए क्या कमज़ोर हो जाता है, बताइए यकृत, सिरा, धमनियाँ, क्या कमज़ोर हो जाता है, तो बता देंगे बेटा धमनियाँ शुद्ध खून को लेके कैरी करते हैं, शुद्ध ब्लड को बेटा, हमने आपको हर्ट वाले में बताया था, मानव में हर्ट चार चैम्बर होता है, आपका बायां निलय, दायां निलय, बायां लिंद, यह होता है ना, जो महाशिराएँ होती हैं, महाशिराओं से ब्लड अंदर आता है, सबसे पहले दायां निलय में आता है, दायां लिंद में आता है, दायां लिंद दायां निलय को देता है, दायां निलय पंप करता है, वह धमनियों के माध्यम से, फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से हर्ट में जाता है, मतलब कि लंग्स में जाता है, लंग्स क्या काम करता है, उसे प्योरीफाई करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है, ऑक्सीजन मिला के फुफ्फुस धमनी से गया उसमें फेफड़े में, अब यहाँ से फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस इस साइड लगा होता है, जो नस होता है फेफड़े का, उसके माध्यम से हमारे किस में आता है बेटा, बता देंगे दाएं अलिंद में आया था अशुद्ध खून, अब आएगा बाएं में, बाएं अलिंद में आ जाता है, बाएं अलिंद में आकर बाएं निलय में जाता है, अब बाएं निलय का काम होता है उसे पंप करना, अरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचा देना, है ना, यही होता है, इस चीज़ को हमने कल बताया था आपको, स्ट्रक्चर बना के बेटा, चलिए बताइएगा बेटा, तो अच्छा रक्तचाप कोई बता देगा, जो ब्लड प्रेशर होता है 80/120 होता है कि 120/80 होता है, इसे सिस्टोल और डाइसिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल और डाइसिस्टोल इंग्लिश में बेटा याद रखेंगे, 80/120 होता है कि 120/80 होता है कि 90/130 होता है कि 130/90 होता है, जो हमारा क्या ब्लड प्रेशर होता है बेटा, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है
जो हमारा अस्तन मतलब रक्तचाप होता है, रक्तचाप होता है वो कितना होता है। अच्छा, रक्तचाप को मेजर करने वाली आप यंत्र का नाम बता दीजिए। रक्तचाप को मेजर करने वाली यंत्र का नाम बता देंगे आप, स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, या इसको याद रखेंगे। अच्छा, आप बताइए बेटा, हाइग्रोमीटर क्यों यूज होता है? हाइग्रोमीटर एक और है बेटा, इसी से मिलता जुलता है, देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है। हाइग्रोमीटर किस लिए यूज होता है पहले बता दीजिए, और हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है ये भी बता दीजिए आप लोग। चलिए तो कमेंट करिएगा, वैसे इसको बता देंगे हम, बहुत ईजी है, बहुत ईजी चीज़ है बेटा, इसमें कुछ है नहीं। चलिए, यह हमारा राइट हो जाएगा एससी बेटा 120। सिस्टोल जो होता है बेटा वो होता है हमारा फैलने का, डायसिस्टोल संकुचन का होता है, संकुचन मतलब सिकुड़ने वाला होता है। इस चीज़ आपको पता होगा। लव और डब, लव मात्र 2 सेकंड में होता है, मतलब 0.2 सेकंड के आसपास में होता है, और जो डब होता है वो 0.3 सेकंड के आसपास में होता है बेटा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, लव और डब, यह धड़कन का आवाज़ होता है ना, धड़कन की आवाज़। कितना अच्छा वर्ड है, धड़कन की आवाज़, दिल की आवाज़। लव डब, वो लव नहीं जो लव होता है, वो लव जो हमारा दिल बोलता है। हमारा दिल दिल नहीं होता, हमारा दिल डब्बा होता है बेटा, इसको याद रखिए। दिल की ना सुनिए कभी, सुनना है तो दिमाग का सुनिए, जो आपके आपके कर्मों तक, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, उस अकॉर्डिंग सोचिए। आप पहले नौकरी तो ले लीजिए भैया। चलिए, अब आप बताएंगे बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर हमने विधिवत बताया था भैया, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था सब बताए थे। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी सब लोग बताएंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब हाथी की स्थापना कब हुई थी ये भी बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन अभी हाल ही में इसकी स्थापना घोषणा किया गया है, याद रखेंगे। जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, वो भारत के जलीय जीव भी जानी जाती है, नेशनल जलीय जीव भारत का गंगा डॉल्फिन है ना, याद रखेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट जो टाइगर है बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किया गया था 1973 में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था तो बता देंगे 1972 में आया था, इससे एक साल पहले। ठीक है, जीव संरक्षण अधिनियम आया था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में हुआ था। हमारे देश में जो बाघों की संख्या है, 2967 है। इस 2967 में से 526 MP में है, और कर्नाटक में दूसरे स्थान पर बेटा, कर्नाटक में दूसरे स्थान पर 524 हैं, मात्र 2 कम हैं। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड में हैं। और हमारे यूपी में कितने हैं? यूपी में मात्र 173 हैं, 173 बाघ हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। उत्तराखंड में आपको पता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा नेशनल कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे बाघों की संख्या है, तो अगर नेशनल के नज़र से देखा जाए, नेशनल पार्क के नज़र से देखा जाए, तो जिम कार्बेट में सबसे ज़्यादा होंगे। ये बात आपको कन्फर्म होना चाहिए बेटा, याद रखेंगे। अगर पूरे विश्व में देखें तो 3000 के आसपास में, सॉरी 3000 नहीं बेटा, 4000 कर लीजिए, 4000 के आसपास में लगभग आपके टाइगर हैं, टाइगर मतलब कि बाघ जो पाए जाते हैं बेटा, है ना। और इसमें से देख लीजिए कितना भारत में पाए जाते हैं, समझ रहे हैं कितना पाए जाते हैं, इस तरह याद कर लीजिए। इस 2967 में से 33% जो हैं हमारे इसमें पाए जाते हैं बेटा, 33% नहीं घूमते हुए शायद है, इस तरह कोई डाटा है, आप इसको देख लेंगे एक बार, 33% घूमते हुए फ्री पाए जाते हैं, फ्री हैं मतलब समझ रहे हैं, जो आम सड़क पर हमको दिख जाते हैं उस संरक्षण में नहीं है, घूमते हुए नजर आते हैं। और बल्कि आपका जो 67% है वो कैद है, मतलब वो एक तरह से उसका संरक्षण किया गया है, है ना, याद रखेंगे बेटा। अच्छा, प्रोजेक्ट हाथी कब आई थी बता देंगे, 1992 में बेटा, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, ठीक है, याद रखेंगे। एलिफेंट किस मतलब एक चीज़ आप बता देंगे, एलिफेंट किस राज्य का, किस कितने राज्यों का, भारत में कितने राज्यों का नेशनल मतलब कि क्या है, नेशनल पशु है ना, राज्य पशु, जैसे यूपी का राज्य पशु क्या है, बारहसिंगा है, जिसे बारहसिंगा है,
और अगर पक्षी देखा जाए तो क्रोंच क्रोंच है, अगर फूल देखा जाए तो आपका कौन सा है, देखिए यूपी का बारहसिंघा पशु हो गया, क्रोंच हो गया, और एक है बेटा आपका कौन सा है फूल, फ्लावर की अगर बात करें तो कौन सा फ्लावर हो जाता है यूपी का राज्य, राज्य फ्लावर, यूपी का राज्य फ्लावर कौन सा हो जाता है बेटा, पलास, पलास हो जाता है, पलास, पलास हो जाता है, पलास एक फ्लावर है छोटा सा, तो पलास यूपी का राज्य पुष्प है, और बाघ राज्य पशु है, राज्य पशु बारहसिंघा, और क्रोंच राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है यूपी का, ठीक है। और योगी बाबा आपको पता है सीएम है, है ना, योगी बाबा, आनंदीबेन पटेल, ये सब पता होना चाहिए बेटा आपको, जनरल चीज़ें जो है ना ये पता होना चाहिए, किसी बच्चे को ऐसा ना हो जो न्यूज वगैरह देखा करें आप लोग, सबसे बड़ी बात यह है। चलिए हम आ जाते हैं आप लोग, भैया थोड़ा सा धुआं धुआं ऊपर लिखा है ना, देखिए हम इसको बोलना भूल गए, धमाल और धुआं धुआं, धुआं धुआं समझ रहे कि नहीं, धुआं धुआं हो जाएंगे आप लोग, मतलब कर दीजिए धुआं धुआं, हो मत जाइए भैया, हो जाएंगे तो फिर कौन पढ़ैया करेगा बताइए, हो मत जाइए बताइए आप। आवर्तकाल टी, आवर्तकाल टी और आवृत्ति एन में संबंध बता दीजिए, आवर्तकाल टी, आवर्तकाल टी और आवृत्ति, और आवृत्ति, आवृत्ति में संबंध बता दीजिए बेटा, आवृत्ति में संबंध पता है आपको क्या है, टी इजकल टू वन अपान एन कहिए या फिर एन इजकल टू वन अपान टी कहिए, यह होता है एन आवृत्ति है, टी हमारा आवर्तकाल है, आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, जब आवर्तकाल घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज किसका मात्रक है तो बता देंगे आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज बेटा, है ना, याद रखेंगे। अच्छा जो प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है वह कितने सेकंड तक हमारे कानों में होती है, जो आवाज़ सुनाई देती है कितने सेकंड तक हमारे कानों में होती है तो बता देंगे आप, एक बटा सत्रह सेकंड तक हमारे कानों में होती है। जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है वह कितने दूरी से या कितने डिस्टेंस के ध्वनि को प्रतिध्वनि मतलब कि रिफ्लेक्ट करती है, ध्वनि जो रिफ्लेक्ट करती है तो बता देंगे आप 16.6 या 7 के आसपास में है, इसको याद कर लेंगे बेटा, है ना, मीटर या मीटर लिख लेंगे बेटा, 16.6 मीटर या सेकंड है, या सेकंड है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है बेटा, देखिए वैज्ञानिक विधि आपको बताए थे हमने, पहला वैज्ञानिक विधि जो होता है पहले जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा के बाद परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद निरीक्षण एवं विश्लेषण होता है, इसके बाद आ जाता है बेटा अभिलेखन होता है, फिर उसके बाद नए प्रयोग होते हैं, यह क्रम है, इसको आप याद कर लेंगे, है ना। जो वैज्ञानिक विधि है अगर प्रयोग के नज़र से देखा जाए, अगर क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले आ जाता है आपका जिज्ञासा, आपके अंदर जिज्ञासा जगेगा तभी तो आप कुछ करने की कोशिश करोगे बेटा, जब जिज्ञासा ही नहीं जगेगा तो क्या करोगे आप, जिज्ञासा होता है फिर परीक्षण आप करते हो, फिर परीक्षण करते हो किस चीज़ का, जैसे पहले जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा जागता है, फिर उसके बाद आप परीक्षण करते हैं, आप परीक्षण करते हैं बेटा, परीक्षण करते हैं किसी चीज़ का, प्रैक्टिकल परीक्षण कहलाता है, परीक्षण करते हैं, इसके बाद निरीक्षण करते हैं, उसकी जांच पड़ताल यानी करते हैं आप, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, निरीक्षण को ही क्या बोलते हैं हम लोग, निरीक्षण को ही बोलते हैं बेटा विश्लेषण, विश्लेषण बोलते हैं, विश्लेषण, विश्लेषण करते हैं आप, इसके बाद आप क्या करते हैं, विश्लेषण के बाद करते हैं अभी क्या बोलते हैं बेटा, अभिलेखन, अभिलेखन करते हैं, उसको रिटेन करते हैं, लिखते हैं उसको कि कभी भविष्य में भी हो सके वो चीज़, अभिलेखन के बाद आप उसे क्या करते हैं, नए प्रयोग करते हैं उससे, उसके साथ बहुत सारे प्रयोग करते हैं, जब आपका नया प्रयोग सफल होने लगता है तो आपका जो पहला जिज्ञासा था वह सफल मान लिया जाता है बेटा, है ना। इसी तरह नहीं एडिसन ने बल्ब की आविष्कार कर दिया, 1028 बार खोज करने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार करते समय उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खोजा, ऐसी बात नहीं है कि उनका सारा प्रयोग व्यर्थ गया, सारे प्रयोग उनको उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे बेटा, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हो गया, ऐसे ही नहीं गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दी बेटा, ऐसे ही नहीं परमाणु मॉडल हो गया, ऐसे ही नहीं तरबूज मॉडल आ गया, तो सारी चीज़ें एक जिज्ञासा के अकॉर्डिंग किए गए। ऐसे ही नहीं आपका पीरियोडिक टेबल बन गया, ऐसे ही नहीं डोब्राइनर ट्रिक आया था, डोब्राइनर ट्रिक हुआ परमाणु मॉडल में, मेंडलीफ परमाणु मॉडल आ गया, मेंडलीफ जिसे बोलते हैं बेटा परमाणु मॉडल बोलते हैं, मेंडलीफ आवर्त सारणी हो गया, इसके बाद मोजले आधुनिक युग की आवर्त सारणी बेटा, जो अब की आवर्त सारणी आप देखते हो ना वो आधुनिक युग की आवर्त सारणी मोजले के नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है परमाणु क्रमांक के आधार पर सेट किया गया है, है ना, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, है ना मेरे साथियों। आप भी कहते होंगे मास्टरवा पगला आ गया है, पता नहीं क्या पकड़ पकड़ कर देता है, समझ में नहीं आता है, नहीं ऐसी बात नहीं बेटा, आप लोग के समझ के लिए ही सारी चीज़ें बताई जाती हैं, है ना, पागल यहाँ से पागल बन गए, पागल बिल्कुल पागल बन जाइए यार, किसी चीज़ के लिए क्यों नहीं मिलेगा, पागल पागल होना चाहिए, दिमाग से, दिल से नहीं दिमाग से पागल होना चाहिए। चलिए देखिए, अच्छा बताइए एडिसन किसका डिस्कवर किए थे, हम आपको सारे डिस्कवर बता देते हैं, एडिसन किसका डिस्कवर किए थे बेटा, बता देंगे आपको विद्युत बल्ब का, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का,
बल्ब का, ये था ना, बताइए। अगर बात करें बेटा गैलीलियो, गैलीलियो, अच्छा गैलीलियो गैलीली इनका नाम था, इनका नाम गैलीलियो गैलीली पूरा नाम था। गैलीलियो ने कौन किया खोज किया था बेटा, किसका है ना, किसका खोज किया था, दूरबीन का, दूरबीन का खोज किया था ना बेटा, याद रखेंगे। इसके बाद मार्कोनी, मार्कोनी, मार्कोनी से पूरा बोले ना, क्या नहीं बोले, मार्कोनी से, मार्कोनी याद रखेंगे, मार्कोनी ने, मार्कोनी से मार दिए थे, इतना मार दिए थे रेडियो से पूरा चुप हो गया था, बोलना बंद कर दिया था, तो याद करेंगे रेडियो, रेडियो बहुत बोलता है, मार्कोनी से इतना मार दो कोहनी से कि रेडियो से पूरा चुप हो जाए, रेडियो चुप हो जाए, याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे। इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेटा किसका डिस्कवर किया था, बता देंगे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किसका, किसका रूप है, एक पेनिसिलिन किसका रूप है, तो बता देंगे कवक, सॉरी फंगस बेटा, वही कवक मतलब क्या हो गया, फंजाई, कवक हो गया ना, फंगस हो गया, फंगस लिख लेंगे आप, फंगस, फंगस। आप लोग एक बचपन में एक दवा सुने होंगे, आँख जब आ जाती थी तो उसमें मम्मी लोग क्या करती थी, एक छोटी सी, इतना इतना बड़ा देखिए, इस टाइप का एक आता था बॉटल में, ऐसे करके आता था, निप्पल टाइप में होता था ऐसे, और यहाँ से दबाते थे तो वाइट कलर का निकलता था, और आँख में डाल देते थे, कुछ दिन बाद आँख हमारा सही हो जाता था, है ना, लोग बोलते थे ना, तो वह भी एक कवक ही होता था बेटा, कवक होता था, जो आप खाते हो ना, क्या खाते हो पता है, बता दे, क्या बोलते हैं यार, मशरूम, मशरूम खाते हो ना, वो क्या होता है बताइए, कवक ही तो होता है, कवक ही तो होता है, कवक ही तो होता है बेटा, कवक ही तो होता है जो आप खाते हो, फंगस, फंगस क्या खाते हो, फंगस ही ना खाते हो, चलिए यही चीज़ है बेटा, आपको पता होना चाहिए। अच्छा ग्राहम बेल, ग्राहम बेल, जेम्स वाट, जेम्स वाट ने किसका खोज किया था, जेम्स वाट नाम से ही फेमस है, जेम्स वाट। अगर ये सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको बेटा रिवीजन के माध्यम से, तो बहुत ही आगे जाओगे आप। जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया था, भाप इंजन का, भाप इंजन का खोज किया था। और बताएंगे आप लोग, और बता दीजिए, ऑटो, ऑटो हॉर्न, ऑटो हॉर्न करके थे, ऑटो, एक मिनट, ऑटो हॉर्न, ऑटो हॉर्न ने किसका खोज किया था, कौन बता देगा, ऑटो हॉर्न ने किसका खोज किया था, परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बता देंगे नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विघटन, नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम बेटा नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। जो सूर्य को ऊर्जा मिलता है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से मिलता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। वो कौन से दो तत्व होते हैं जो वहाँ पे होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम बेटा, हाइड्रोजन टूटता रहता है हीलियम में और हीलियम बनता रहता है, बहुत सारे श्रृंखलाबद्ध ऐसे रेडियो, रेडियो तत्व जो बनते हैं हमारे, उसके माध्यम से हीलियम, हीलियम लगभग 21% के आसपास में होता है, और यह 70% के आसपास में होता है, 71 लिख लीजिए, 71% के आसपास में होता है ना, सन पे, ये बात आपको पता होना चाहिए। ऑटो हॉर्न के बाद आप लिखेंगे बेटा, ऑटो हॉर्न के बाद आप लिखेंगे कि न्यूटन, न्यूटन तो सबको पता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए थे, गुरुत्वाकर्षण जी, जी की वैल्यू कोई बता देगा, अच्छा ये बता दीजिए आप, एक किलो वाट, एक किलो वाट बराबर कितना जूल होता है, कितना जूल होता है, कौन बताएगा, तो निकालने का तरीका सीख लीजिए, एक किलो वाट में कितना वाट होता है, तो बता देंगे बेटा एक किलो वाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है, गुणे कितने सेकंड, एक किलो वाट सेकंड तो आएगा ना बेटा, क्योंकि जूलो, जूल किस में होता है, सेकंड में तो आ जाता है जूल, जूल का अगर एसआई मात्रक आप देखेंगे तो सेकंड भी उसमें होता है, तो सेकंड मतलब क्या, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होता है ना, दही बताइए, हाँ 60 गुणे 60 कर लीजिए, 3600 नहीं आ जाएगा क्या, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड बेटा। अब इसको ये जूल में बदल गया, ये एक किलो वाट बराबर कितना जूल होता है, तो बता देंगे 1000 में 3 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 10 के पावर 5 जीरो, 10 के पावर 5 गुणे 36। लेकिन इस तरह नहीं लिखते हैं इसे, आप कोटिमान पढ़े होंगे, कोटिमान, कोटिमान में हम यहाँ लगाते थे पॉइंट, यहाँ लगाते थे, जब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे ना तो 3.6 गुणे 10 के पावर -6, सॉरी 6, 10 के पावर 6 क्या जूल बेटा, 10 के पावर 6 जूल होता है, यह होता है 746 हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, एक वाट बराबर। अगर यहाँ पे देखें बेटा 3.6 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ जूल 1 किलोवाट बराबर होता है, आप इसे याद कर लेंगे, बहुत तो एग्जाम में पूछा गया है, है ना, चलिए चलिए चलिए। अच्छा ग्राहम बेल ने किसका खोज किया था, ग्राहम बेल ने, कौन बताएगा ग्राहम बेल किसका खोज किए थे, टेलीफोन का, कहीं ना कहीं इस टेलीफोन का नहीं ना खोज किए थे वो, बताइए किसका खोज कर दिए थे, बताइए भैया, हेलो बोलते हो आप लोग ना, हेलो तो पता नहीं कितनी बार बोलते होगे रात में, बोलते हो नहीं हेलो, रात में कितनी बार बोलते हो हेलो बताइए, तो बता देंगे ग्राहम बेल, जो ग्राहम बेल हैं मेरे साथियों, मेरे रसगुल्लों, ग्राहम बेल आप लोग ढीले पड़ रहे हो ना, देखिए अभी भी हमारे अंदर इतनी एनर्जी रहती है सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेने के बावजूद भी। ग्राहम बेल ने आपको पता है किसका खोज किए थे बेटा, बता देंगे टेलीफोन का, टेलीफोन का,
टेलीफोन का, टेलीफोन का पूछ गया थे ग्राम बेल, बेल बेल से याद रखेंगे टेलीफोन, बेल बजता है टेलीफोन में ना, इस तरह याद रखेंगे। अब बताएंगे टेलीविजन का खोज किसने किया था, टेलीविजन का खोज, टेलीविजन का खोज किसने किया था, फटाक से आप लोग बता देंगे बेटा। चैडविक, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में, पौधों में बेटा जीवन मतलब चेतना के खोज किए थे। जगदीश चंद्र बसु सबसे पहले पी मतलब कि मटर के पौधे पर उन्होंने रिसर्च किया था, आपको ये बात पता होना चाहिए। होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा अंतरिक्ष किरणों का संख्या बता, चंद्रशेखर नाम सुने होंगे आपने, चंद्रशेखर, 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 वह चंद्रशेखर आजाद नहीं बेटा, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, इसने इन्होंने बेटा इन्होंने ब्लैक होल, ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था, ब्लैक होल का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ब्लैक होल का सिद्धांत, यह चीज़ याद रखेंगे। कॉपरनिकस, कॉपरनिकस और एक हैं, कॉपरनिकस के बाद एक और हैं बेटा, इनका नाम क्या है, इनका नाम है कॉपरनिकस हैं, एक एक लोग और हैं, एक लोग और हैं बेटा, इनका नाम है क्या, कॉपरनिकस, देखिए दिमाग से स्किप कर गया, कॉपरनिकस, कॉपरनिकस हैं, कैपलर, हाँ कैपलर नाम है, क्या नाम है, कैपलर, कैपलर। कॉपरनिकस ने बताया था कि सौरमंडल होता है, सौरमंडल के बारे में संज्ञान दिए थे, सौरमंडल के बारे में बताए थे। सौरमंडल में सबसे बड़ा सन, फिर उसके बाद बुध, बुध के बाद, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, ये आंतरिक ग्रह आते हैं, यहाँ पे होता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, इसके बाद बहिर्ग्रह आ जाते हैं, बाहर के ग्रह होते हैं, जिनमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो यह होता है अरुण, और जो यह होता है शुक्र, यानी कि यूरेनस और वीनस, यूवी इससे याद कर लीजिए, जो यूवी होता है, यूरेनस और वीनस, वीनस, वीनस और यूरेनस, यह दोनों ग्रह जो होते हैं बेटा हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे हमारे इन्वायरमेंट कह रहे हैं, देखिए हमारे सौरमंडल में पूर्व से पश्चिम की तरफ सर्च करते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं बेटा, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, जो अर्थ है और जितने बाकी सब ग्रह हैं वो पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। जो यह शुक्र होता है, जो यह शुक्र होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं चमकता हुआ तारा, शाम का तारा, सांझ का तारा यानी सुबह का तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, और अर्थ का ट्विंस बोलते हैं, है ना, यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। क्योंकि इसका रेडियस जो आपका शुक्र है ना, जो शुक्र है बेटा, शुक्र, इसका रेडियस, इसका रेडियस बिल्कुल अर्थ से मिलता जुलता है, यह बात याद रखेंगे। यह तो क्रम से रहा, लेकिन अगर ग्रह बढ़ते क्रम में हम लिख दें तो, बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यह चार सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, फिर आपका शनि आ जाता है पाँचवें नंबर वाला, फिर उसके बाद आपका वीनस, वीनस यूरेनस आ जाता है, सॉरी हाँ यूरेनस आ जाता है बेटा छठे नंबर वाला, फिर आपका एक मिनट यह चौथा बेटा सॉरी पाँच, पाँच है या पाँचवें नंबर पे आता है ना, तो पाँच, पाँच के बाद आपका शनि छः, फिर इसके बाद यह सात, फिर इसके बाद यह आठ, आठ के बाद अर्थ तीसरे नंबर पे है, तो अर्थ, अर्थ के बाद क्या आ जाता है, अर्थ के बाद आपको पता है हमने क्या बोला आपको, शुक्र, शुक्र बिल्कुल इसके मिलता जुलता है, तो तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद पहला सबसे छोटा होता है, यह बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह या फिर रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट से मंगल को बता देंगे, है ना, याद रखेंगे सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह बता देंगे कम घनत्व वाला है, इसी के चारों तरफ सात, सात इस तरह, इस तरह रिंग पाए जाते हैं, सेवन रिंग्स इस तरह। इस समय फिलहाल में सब सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं, तो बता देंगे शनि के पास हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बता देंगे बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई मून नहीं है। सबसे बड़ा मून किस उपग्रह के पास, मतलब किस ग्रह के पास है, तो बता देंगे गैनीमेड, 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 जो कि आपके बृहस्पति ग्रह के पास है, बृहस्पति ग्रह के पास है बेटा, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें रही, सबसे गर्म, गर्म ग्रह बता देंगे शुक्र, सबसे नज़दीक ग्रह सन के तो बता देंगे बुध बेटा, है ना, शुक्र सबसे गर्म ग्रह, बुध सबसे नज़दीकी का ग्रह, यह रहा आपका। इस तरह पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आनंद आएगा। चलिए आपका टाइम भी हो चला है तो इसी जगह क्लोज करते हैं। अच्छा उत्प्लावन बल क्या होता है बता देगा कोई, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन, उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावन बल और आर्कमिडीज का सिद्धांत, आर्कमिडीज का सिद्धांत कौन बता देगा, यह कमेंट करेंगे आप लोग, एक मिनट बेटा, आर्कमिडीज का सिद्धांत, आर्कमिडीज का सिद्धांत, सिद्धांत कौन बता देगा, उत्प्लावन बल क्या होता है कौन बता देगा, उत्प्लावन बल द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तुओं पर, वस्तुओं के ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे कोई टप है पानी से भरा, इसमें कोई चीज़ हम डाल दें और यह
प्रेशर जितना नीचे लगाएगा यह पानी पे, उतना ही पानी इसके ऊपर प्रेशर लगाता है, इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल। और अगर यह जो बॉडी है, यह बॉडी पानी में अपने भार के इतना, अपने भार के बराबर पानी को स्थानांतरित करती है, हटाती है, तो इसको ही हम बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत बेटा, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आपको? ये सारी चीज़ें रही, आप अगर अच्छे से देखे होंगे सारा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सारे चीज़ें लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा यहाँ से आपको, आपके पेपर में, चाहे आप टीचर का दें, चाहे आप कोई भी वैकेंसी आए उसका दें, चाहे डीएलएड को फोड़ें, चाहे किसी भी वैकेंसी को फोड़ें, ठीक है बेटा। तो डीएलएड के परस्पेक्टिव से आपका क्लासेस चलते हैं, लेकिन हमारे साथियों आप ध्यान दीजिएगा, कोई टीचर की वैकेंसी आती है, अगर आप अप्लाई करते हैं, यूपी टेट की आती है, अगर आप अप्लाई करते हैं, तो साथियों इस वीडियो को ज़रूर आप देख के जाएंगे, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, डायरेक्टली फंसेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बहुत हो गया और काफ़ी बोल दिया हमने, चलिए धन्यवाद।